पेरिस ओलंपिक में तीसरे मेडल से चूकी मनु भाकर, 25 मीटर वुमेन्स पिस्टल फाइनल के करीबी मुकाबले में चौथे स्थान पर रही। सातवीं सीरीज के अंत तक मेडल की रेस में थी मनु भाकर। शूट ऑफ में हंगेरियन शूटर ने मनु को पीछे कर ब्रॉन्ज मेडल जीता। फाइनल में चौथे स्थान पर रहने के बाद दुखी दिखी मनु भाकर, कहा नतीजों से खुश नहीं हुए। इस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी है मनु भाकर। विमेन्स इंडिविजुअल कैटेगरी के प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हुई भारतीय तीरंदाज भजन कौर। इंडोनेशिया की डायनंडा कोयारुनिसा ने शूट ऑफ में 6-5 से हराया। देर रात 12 बजे 71 किलोग्राम में क्वार्टर फाइनल में बॉक्सर निशांत देव का मुकाबला। जीत के साथ भारत के लिए पक्का हो जाएगा एक और मेडल। आर्चरी के विमेन्स इंडिविजुअल कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मैच में हार गई दीपिका कुमारी। कोरिया की नेम सू योन ने 6-4 से हराया। विमेन्स स्कीट शूटिंग के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की हालत ढीली। माहेश्वरी चौहान और राइजा ढिलो राउंड 2 इवेंट के बाद टॉप 6 से बाहर। स्कीट शूटिंग के मेंस क्वालिफिकेशन राउंड में भी भारत को मिली निराशा। अनंतजीत सिंह नरूका भारत को मेडल नहीं दिला सके। ऑस्ट्रेलिया से मिली जीत के बाद कल क्वार्टर फाइनल मैच में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ उतरेगी भारतीय हॉकी टीम। जीती तो 6 अगस्त को सेमीफाइनल मुकाबला। 75 किलोग्राम भार बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में खेलेंगी लवलीना बोरगोहेन। एक जीत के साथ पक्का होगा मेडल। रविवार दोपहर 3 बजे मुकाबला। रविवार दोपहर 12 बजे बैडमिंटन सिंगल्स के सेमीफाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला डेनमार्क के शटलर विक्टर एक्सेलेंसन से होगा टक्कर। जीत के साथ भारत के लिए पक्का होगा मेडल। लक्ष्य सेन और विक्टर एक्सेलेंसन के बीच अब तक 8 मुकाबले, 7 मुकाबले में हावी रहे हैं डेनमार्क के शटलर। लक्ष्य सेन को एकमात्र मुकाबले में मिली है जीत।